तो 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और सिरसा से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक शोभा यात्रा का आयोजन, भव्य शोभा यात्रा ये रहने वाली है। देखने को मिलेगा उत्साह सिरसा वासियों में इस शोभा यात्रा के दौरान, क्योंकि जब सिरसा वासियों से बात की गई तो एक गजब का उत्साह उमंग और जोश देखने को मिल रहा है। सिरसा वासियों की अगर बात कर लें तो भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने को लेकर सभी उत्सुक हैं। महाराज अग्रसेन स्कूल से शुरू होगी यह शोभा यात्रा। श्री बाबा तारा कुटिया में यात्रा का समापन होना है। श्री राम ध्वज के साथ 5100 लोग यात्रा में शामिल होंगे, एक बड़ी बात है। और शहर में 7 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा ये निकाली जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये सिरसा विधायक HLP सुप्रीमो गोपाल कांडा का आह्वान है, शोभा यात्रा में शामिल होगा सब समाज। ये बात भी गोपाल कांडा की तरफ से कही गई है और एक आह्वान आमजन से किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हों। आपको बता दें कि अनगिनत द्वीपों से जगमग होगी कल सिरसा नगरी। श्री राम की 31 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी होना है। श्री तारकेश्वर धाम में भव्य प्रतिमा का अनावरण होगा और कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के संयोजन में पूरी रूपरेखा कल के कार्यक्रम को लेकर सिरसा में तैयार की गई।